जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशनगोई पहले से थी, 14 से लेके 17 अक्टूबर तक मौसम अमूमन क्लाउडी के साथ साथ बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान थे। तो आज अर्ली मॉर्निंग से ही मौसम में करवट ली है और हल्की बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और कुछ एक जगहों पे थंडर लाइटनिंग खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर चल रही है। और कल शाम को जो है खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक जगहों पे झालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है खासकर फार्मर्स को। तो अभी फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी है ये कंटिन्यू रहेगा। आज दिन भर इंटरमिटेंटली बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, और कल 17 आफ्टरनून से जो है मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग 24 अक्टूबर तक मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कान। जी पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है वो बहुत सारे जगहों पे फर्स्ट स्नोफॉल है सीजन का, और पीर की गली, बाकी जो हायर रीच्स हैं खासकर बांडीपोरा के, सेंट्रल कश्मीर के, खतह लद्दाख के अंदर भी द्रास, करगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह के अंदर भी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी हुई है। तो फिलहाल जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें रहेंगी और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी जो है वो इंटरमिटेंटली चल सकती है। कोई मेजर स्पेल ऐसे नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें मतलब हो सकती हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 14 से लेके 18 आवर्स तक। कोई एडवाइजरी? एडवाइजरी एज सच लोगों को जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें, और जब भी ट्रैवल करें तो ट्रैफिक एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने साथ एहतियातन गर्म कपड़े जो है वो बिल्कुल ले लें, क्योंकि ठंड की वजह से खासकर जो हायर रीच में ट्रैवल करते हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से, और बर्फबारी भी कुछ एक जगहों पर हुई है। बाकी फार्मर्स के लिए अभी अपना हार्वेस्टिंग वगैरह वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस खासकर 18 से, और ज्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक टू 10 डेज तक मौसम अमूमन ठीक है, कोई मेजर स्पेल नहीं है, तो बिल्कुल आराम से जो है अपना हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकते तो हेल स्टॉर्म कल साउथ कश्मीर में हुआ था, क्या आज ऐसा कोई? हैं। हेल स्टॉर्म की कोई पेशन गोई नहीं है अभी, क्योंकि कल भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 23-24 के आसपास था, तो अभी टेम्परेचर्स वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिफ है, तो कमिंग डेज में कोई ऐसे पेशन गोई नहीं है हेल स्टॉर्म का, स्नोफॉल का भी कोई पेशन गोई नहीं है। तो फार्मर्स जो है अभी बिल्कुल आराम से जो है अपना फसल वगैरह टाइम लेके हार्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी किस्म की जल्दबाजी ना करें।